ब्रिच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, गोपनीयता का उल्लंघन। यदि आपने गोपनीयता का उल्लंघन किया, किसी भी गोपनीय चीज़ को वायरल किया, लोगों को बताया उसके बारे में, तो उस चीज़ के लिए इस सज़ा को बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हैकर मास्क। यदि आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना। अब बात करते हैं, यदि आपने किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन को जिसे प्राइवेट यानी सिक्योर करके प्राइवेसी जैसा बना रखा है, जिसके कारण लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए उसे प्राइवेसी करके रखा गया है, मतलब सिक्योर करके रखा गया है, यदि आपने उसे लीक कर दिया तो उस चीज़ के लिए आप पर वो केस कर सकता है और वो आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 सेक्शन 72 के तहत होगा। इसीलिए आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। लेकिन साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, इस एक्ट के द्वारा यदि आप फंसते हो तो फिर आप पर बहुत लंबे अवधि तक का भी जेल हो सकता है। इसमें मेनली ऐसे भी बताया गया है कि लंबे अवधि तक भी हो सकता है या फिर 2 साल का कैद भी हो सकता है और साथ ही साथ 1,00,000 रुपये का जुर्माना या फिर ये दोनों एक साथ लग सकती है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के किसी भी प्राइवेट वाले चीज़ों को लीक ना करें। यदि आपके पास हैकिंग स्किल है तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच टू स्टे विथ मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक मिनट, अगला टॉपिक रहेगा सेक्शन 73। यदि आपको वो टॉपिक को अच्छी तरह से देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लो ताकि उस वीडियो को मिस ना कर सको। तो बस, थैंक यू सो मच।